हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखो सबसे पहले क्या है, आज हमारा ये बीए बीकॉम का फर्स्ट ईयर का टॉपिक है मांग की लोच को मापने की बिंदु विधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांग की लोच को मापने की बिंदु विधि को बताओ, या इस मांग वक्र स्थित सभी बिंदुओं की मांग की लोच क्या समान होती है। हमारा क्वेश्चन है कि एक ही रेखा पर मांग की लोच क्या समान हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक ही रेखा पर मांग की लोच अलग अलग होती है, ठीक है। देखो अगर हम किसी की बात करें, एक लाइन की बात करें, ठीक है, मान लेते हैं ये MN एक रेखा है, ठीक है, इस पर क्या है मांग की लोच जो होगी। देखो अगर हम इसकी बीट यहाँ की बात करेंगे तो मांग की लोच 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी मांग की लोच आपकी, यहाँ पे अनंत होगी, यहाँ पे आपकी मांग की जो लोच होगी वो 0 होगी, ठीक है। ध्यान रखना इस पॉइंट से जो भी चीज स्टार्ट होगी वो 0 होती है, क्या होती है वो 0 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। तो एक ही रेखा पर मांग की लोच अलग अलग होती है, ठीक है। तो सबसे उत्तम विधि बताइए, इस विधि का नाम क्या है, बिंदु विधि, ठीक है, बिंदु विधि इसका नाम बताया। बिंदु विधि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिंदु विधि, ठीक है, बहुत अच्छी विधि है जिसमें हर पॉइंट का मांग की लोच के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। जब इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी है वो थे मांग की लोच, ठीक है, मांग की लोच पढ़ी है जिसका फॉर्मूला होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ एक ही लोच पता चलती है, या तो यहाँ पे आपको पता है मांग की लोच 5 तरह की होती है, क्या होती है मांग की लोच कितने होते हैं 5 तरह की। ईडी बराबर 0 होता है, ईडी बराबर अनंत होता है, ईडी बराबर 1 होता है, ईडी बराबर ग्रेटर देन 1 होता है, ईडी लेस देन होता है। इकाई यानी कि यहाँ पे आपका ये आपका बेलोचदार, ये लोचदार, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, इकाई से कम, यानी 5 तरह की आपकी मांग की लोच होती है, ठीक है। इनमें से सिर्फ इस विधि के द्वारा, यानी मांग की लोच की विधि के द्वारा आपको सिर्फ एक विधि का पता चलता है, ठीक है, एक पॉइंट पता चलता है। लेकिन बिंदु विधि है जो आपको हर एक पॉइंट के बारे में, पांचों विधि कैसे कैसे होती है इस टॉपिक के बारे में बताता है, ठीक है। तो हम इसे जानेंगे। देखो मांग की लोच को मापने की बिंदु विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। उनका यह मानना था कि एक सरल रेखा मांग वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं की मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है। जो प्रोफेसर मार्शल थे उनका ऐसा मानना था कि जो मांग की जो लोच होती है ना, हर एक पॉइंट पे क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे हमें अभी थोड़ा आपको डिस्कस किया गया था, जो बिंदु मांग वक्र के मध्य होता है, मध्य में जो होगा यानी मिड पॉइंट में जो होगा, यानी कि इसका जैसे मिड पॉइंट देखें, ये वाला बी पॉइंट आपको दिख रहा है तो मांग की लोच 1 है, ठीक है, जबकि इसके इस पॉइंट पे आपकी मांग की लोच अनंत है और मांग की लोच यहाँ पे 0 है। यानी हर एक बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है, अलग अलग होती है। बिंदु इसके केंद्र बिंदु के जितने दूर चले जाते हैं उन पर मांग की लोच विषमताएं होती हैं, उतनी अलग अलग हो जाती हैं। इसका मतलब यह है बिंदु विधि मांग की लोच को मापने का उत्तम विधि है, सबसे अच्छा मेथड यह है, उत्तम विधि है, क्योंकि यह कीमत लोच को माप दूर करती है। कीमत लोच आपको पता है, कीमत लोच की सहायता से कीमत में होने वाले प्रतिशत का वस्तु की मांग पर जितना प्रभाव पड़ता है यह किसी एक बिंदु पर मापा जा सकता है। किंतु बिंदु विधि की सहायता से मांग की लोच को मापने के लिए यह मान्यता स्वीकार की जाती है कि उपभोक्ता को क्या संतुलन पुराने संतुलन बिंदु के समय स्थापित हो सकता है। इस विधि की सहायता से संतुलन बिंदु के समीप, यहाँ पे ये जो वर्ड है आपका वो समीप है, के समीप स्थापित हो सकता है। इस विधि की सहायता से मांग की लोच को मापने के लिए गणित सूत्र का प्रयोग किया है और मांग की बिंदु विधि के लिए एक फॉर्मूले का यूज किया गया है, मांग की लोच बराबर मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। अब ये जानेंगे अब डायग्राम से मांग वक्र का निचला हिस्सा क्या होगा, मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा क्या होगा। अब इन टोटल जो है हमने ये प्रत्येक बिंदु को हमने 5 सेंटीमीटर नाम दिया है। टोटल हमने एम से लेके एन तक की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर रखी गई है, 20 सेंटीमीटर। यानी हर एक को इसको 0 मान लेंगे, ये जो 0 हो गया, इन चार हिस्सों को हमने क्या कर दिया, 4 हिस्सों में बांट देंगे, 5 यानी कि ये 5, 10, 15, 20, यानी 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे या कोई पॉइंट नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपके और ये आपका क्या है 0। अब हम यहाँ से स्टार्ट करें अगर, ठीक है, तो ये टॉपिक आपका क्या है, मांग वक्र का निचला हिस्सा M से लेके N तक, मांग वक्र का निचला हिस्सा कहलाएगा MN, MN हो गया, MN का रख दिया हमने 20 टोटल, क्योंकि यहाँ पे क्या था 20 था वो 20 रख दिया, N आपका कितना था 0, तो यहाँ 0 रख दिया, इसको डिवाइड करा तो ये अनंत हो गया, ठीक है, तो ये आपका ये अनंत आ गया इसकी लोच, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आपका ए पॉइंट पे जाते हैं, ए एन बटे ए एम, ठीक है, ए एन बटे ए एम का मतलब होता है, ठीक है,
यानी कि नॉर्मल सी बात है, ये आपका ए पॉइंट ये है, ए से एन तक जाना है आपको, ए एन बटे ए एम, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे कि अगर किसी हम डायग्राम में देखें, ठीक है, तो हम किस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं वो ध्यान समझना, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये आपका एम है, ये आपका एन है, ठीक है, इनको नाम दिया गया है ए बी सी, ठीक है। तो आपको करना ये है, पहले आपको ये चलना है, पहले इस जब हम इस पॉइंट को लेकर चलोगे तो एम एन यहाँ से लेके यहाँ तक एम एन बटे एन करोगे, एम एन बटे एन करोगे, ठीक है। जैसे अगर हमने मांग वक्र निचले हिस्सा लिया तो हम लिखेंगे क्या, एम एन बटे एन, एम से एन तक का टोटल कितना था 20 और एन कितना था 0, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, ईडी बराबर यहाँ पे आपके अनंत आएगा, ठीक है। दूसरे पे चलो, ए पॉइंट पे, ए से एन तक चलेंगे, क्या चलेंगे, ए से एन तक, तो ये निचला हिस्सा होगा, ए से एम तक चलोगे, ए एम ए एन बटे ए एम, ए एन ए से लेके एन तक की जो दूरी है कितनी है, 5, 10, 15, ठीक है, ये हो गए 15, और ए से एम तक चलेंगे वो कितना होगा 5, कितना हुआ 3, यानी कि आपकी जो लोच है वो एक नहीं है, आपकी लोच है एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस दूसरा पॉइंट आपका ईडी ग्रेटर देन 1 हो गया आपका, ठीक है। तीसरी चीज़ चलेंगे, बी पे चलेंगे, बी से एन तक चलेंगे, यानी निचला हिस्सा बी एन बटे बी एम, ठीक है, बी एन बटे बी एम, इसी पास जाना है, बी से एन तक का आपका कितना हुआ 10 हुआ, और ऊपर भी 10 हुआ, आधा आधा हो गया 1, यानी इसकी जो लोच होगी वो कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। सी पे आ जाते हैं, सी सी एन बटे सी एम, सी एन यानी कि सी एन बटे सी एम, सी से एन तक आपका सिर्फ 5 है और बाकी में आपका सी सी एन बटे सी एम, तो ये आपका कितना है 15 है, ठीक है, 1/5, इसको डिवाइड करेंगे, 1/5 आपका आ जाएगा 0.3, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो लोच होगी वो होगी कम, यानी ईडी ईडी लेस देन 1, ठीक है। अब आते हैं एन पे, ठीक है, एन एन बटे एन एम, लास्ट में वापसी जाना है आपको, एन एम, एन आपका कितना है 0 और टोटल कितना था 0, डिवाइड करेंगे तो 0, इसकी जो लोच होगी वो कितनी होगी 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो हर डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरह से बनाए गए हैं सारी चीज़ें, ठीक है, इस यहाँ पे भी ऐसे बताया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके बाय।